हेलो गाइज नमस्कार, मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे गाइज आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आया दोस्तों, जो कि वीडियो तो बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अपने टिकटॉक अगर चलाते होंगे दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देखा होगा। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है गाइज, यहाँ पे जो क्रोस है दोस्तों, यहाँ पे जो भी मतलब चांद या दिल दोस्तों जो भी यहाँ पे बंदा बनाता है, तो गाइज ये वाला वीडियो भी बहुत ही ट्रेंडिंग चला गया। अगर आप इस पे वीडियो बनाते हैं तो गाइज आपका भी वीडियो दोस्तों 100% वायरल होने वाला है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो बनाए तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा एंड वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली गाइस मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए सिंपली गाइस आपके पास दोस्तों काइन मास्टर होना चाहिए एंड दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक बर्ड का दोस्तों जो मतलब कि जो क्रो का दोस्तों वीडियो का लिंक है उसको भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आपको यह करना है सिंपली गाइस यहां पे दोस्तों जो भी आप वीडियो देख रहे हैं गाइस उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। गाइस आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे वीडियो का टाइटल पे क्लिक करना है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो का टाइटल, जैसे आप क्लिक करते हैं तो गाइस आपको यहां पे देख सकते हैं नीचे आपको मिल जाएगा दोस्तों यहां पे काइन मास्टर का लिंक गाइस, आप यहां पे काइन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड साथ साथ दोस्तों आपको यहां पे देख सकते हैं जो बर्ड का दोस्तों मतलब जो क्रो वीडियो का लिंक है गाइस वो वाला आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस आपको यह ना इसे भी डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस जैसे आप इस दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं मतलब अगर आपके पास काइन मास्टर तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली गाइस एक वीडियो को शूट करना है। तो गाइस यहां पे मैं चलता हूं काइन मास्टर में दिखा देता हूं गाइस आप किस प्रकार वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आपको क्या करना है, आप काइन मास्टर चलते हैं ओपन करते हैं। तो सिंपली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया गाइस। आपको क्या है, सिंपली यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या है टिकटॉक वीडियो का रेशियो गाइस यहाँ पे 9:16 का रेशियो गाइस सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके साथ दोस्तों आपको क्या करना है गाइस यहाँ पे आपको वीडियो में सेलेक्ट करके दिखाया तो आप वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं। तो गाइस क्या करना है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वीडियो शूट किया है पहले से गाइस, उस वीडियो को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या है सिंपली गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाया तो जैसे कि आप क्या करना है गाइस वीडियो पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला देख सकते हैं जो फुल स्क्रीन वाला यहाँ पे क्रॉप वाला जो आपको मिल जाता है गाइस, ये क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे कि दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों जूम कर लेना है। जूम करने का मतलब गाइस आपको ये कहना है आपको यहाँ पे स्काई दिखाना है, ठीक है, जिससे कि दोस्तों परफेक्ट आपका जो स्काई दिखे जिससे यहाँ पे आप क्रोल लगा सके। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है गाइस इस प्रकार आपको क्या करना है यहाँ पे पहले सेट कर लेना, ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों आपको जैसे यहाँ पे सेट कर लेते हैं गाइस आपको ये कहना है यहाँ पे इक्वल वाले पे क्लिक कर देना है जिससे कि दोस्तों आपका बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो गाइज आपका गलत हो जाएगा। तो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ गाइज, इस प्रकार आपको क्या करना है वीडियो को शूट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप जो भी एक्टिंग करना चाहते हैं गाइज वहाँ पे आप कर सकते हैं, बट गाइज आपका जो स्काई है वो दोस्तों परफेक्ट दिखना चाहिए एंड इस साथ दोस्तों आपका वीडियो बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है वीडियो को शूट कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, ठीक है। तो सिंपली गाइज सबसे पहले आपको जो वीडियो में दोस्तों जो भी आवाज़ अगर दोस्तों आपको यहाँ पे शूट हो गया होगा तो गाइज आपको क्या करना है वीडियो पे क्लिक करना है एंड गाइज यहाँ पे साउंड वाले पे जाकर दोस्तों आपको यहाँ पे साउंड को बंद कर देना है, ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो क्रो वीडियो का लिंक है गाइज मैंने जो दिया था आपको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे लगाना है। तो लेयर पे क्लिक कीजिएगा एंड उसके बाद दोस्तों मीडिया पे क्लिक करके गाइज आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था गाइज यहाँ पे उसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों आपको कहना है सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लगा देना है अपने स्काई में एंड स्काई में जैसे आप गाइज लगा देते हैं तो गाइज अब आपको क्या करना है गाइज यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमो की का, इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको इसे इनेबल कर देना है। गाइज आपको यहाँ पे जो की कलर देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रीन रखना है, ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों आपको जो क्रो दोस्तों परफेक्ट अगर नहीं दिखाई गए तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो दोस्तों बन चुका है लगभग। गाइज आपको क्या करना है यहाँ पे जो परफेक्ट जो क्रो दोस्तों वो दिखना चाहिए तो गाइज आपको क्या करना है यहाँ पे इसे सेट कर देना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको जो क्रो दोस्तों बहुत ही मतलब कह सकते हैं लाइट कम है क्रो का अच्छा से नहीं दिख रहा है तो गाइज आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे क्रो वाले वीडियो पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर नीचे जाना है दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा गाइज यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट का गाइज इस पर जाना है, ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला सकते हैं ये वाला ऑप्शन पर दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पे कम कर देना है। गाइज आप देख सकते हैं आपका वीडियो बिल्कुल बन चुका है गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज आपको क्या कहना है सिंपली यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद जैसे आपका वीडियो बन जाता है तो गाइज अब आपको क्या कहना है सिंपली गाइज वीडियो को सेव करने के लिए गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों क्वालिटी में गाइज आपको जो भी क्वालिटी में करना चाहते हैं वो गाइज क्वालिटी में आप कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या है एक्सपोर्ट पे क्लिक करके दोस्तों इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो वीडियो दोस्तों गैलरी में सेव हो जाएगा तो जहाँ से दोस्तों आप पोस्ट
कर सकते हैं। तो भाई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दे, उसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन इनेबल कर लीजिए, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो भाई मिलते हैं और भी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।